आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम ठोसों के संयोजन तथा त्रिविमीय आकृतियों के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हम समतल आकृतियों और ठोस आकारों के बारे में जान चुके हैं। राघव के पिताजी ने उसे कुछ आकृतियां दी और उन्हें पहचानने के लिए बोला। क्या आप राघव के लिए इन आकृतियों को पहचानकर उनके नाम बता सकते हैं? स्वयं प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। बिल्कुल सही, यह आकृतियां हैं आयत, बेलन, घनाभ, घन, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, गोला तथा शंकु। अब राघव के पिताजी उसे कुछ और आकृतियां दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम इन आकृतियों के नाम बता सकते हो। राघव बताता है कि यह एक डंब बैल है, यह एक झोपड़ी तथा यह गोदाम जैसा कुछ है। शाबाश, परंतु यह तो इन वस्तुओं के नाम हैं। आओ मैं तुम्हें इन आकृतियों के बारे में बताता हूं। अगर तुम इस डंबल को ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि यह दो गोलों और एक बेलन के मिलने यानी कि संयोजन से बना है। इसी तरह यह झोपड़ी एक शंकु और एक बेलन के संयोजन से बनी है। राघव, अब तुम इस गोदाम के बारे में क्या बता सकते हो? पिताजी, इसका निचला हिस्सा एक बेलन और ऊपरी हिस्सा आधा गोला है। शाबाश, तुम तो बहुत जल्दी सीख गए। आओ अब मैं आकृतियों से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य तुम्हें बताता हूं। अगर इस डिब्बे को तुम ऊपर से देखो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है? ऊपर से देखने पर मुझे तो सिर्फ आयत दिखाई देता है। और सामने से देखने पर तुम्हें क्या दिखता है? सामने से देखने पर मुझे एक वर्ग दिखता है। और किनारे से देखने पर? किनारे से देखने पर मुझे फिर से एक आयत दिखता है। शाबाश, वह दृश्य जो हमें वस्तु को ऊपर से देखने पर प्राप्त होता है उसे ऊपर के दृश्य यानी टॉप व्यू कहते हैं। वह दृश्य हमें वस्तु को सामने से देखने पर प्राप्त होता है उसे सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू कहते हैं। वह दृश्य हमें वस्तु को किनारे से देखने पर प्राप्त होता है उसे पार्श्व का दृश्य यानी साइड व्यू कहते हैं। ठोस वस्तुओं या त्रिविमीय आकारों को इस तरह अलग अलग दृश्यों से देखने को हम त्रिविमीय आकृतियों के विभिन्न दृष्टिकोण कहते हैं। आशा करता हूं कि जो कुछ भी हमने अभी देखा तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ पिताजी। आज इस वीडियो में हमने समतल आकारों के संयोजन से बनी हुई आकृतियों और त्रिविमीय आकृतियों के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में समझा। अगले वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।